Hello, hi students. Myself Shivani Sharma and I'm biology tutor over there. So today we are going to talk about the animal kingdom. I know most of the students found it so boring, but according to the NEET prospectus, it is very important because every time they will ask about the 3-4 question of this chapters. तो नीट के अकॉर्डिंग तो इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो एग्जाम्पल सटना पड़ता है ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई मेक श्योर आई विल लेट यू सम ट्रिक्स, सो दिस चैप्टर विल नॉट बी हार्ड फॉर यू एंड यू फाउंड इट्स वेरी इजी. सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर. हियर आर द पिक्चर्स ऑफ द सम ब्यूटिफुल एनिमल्स. सो व्हेन वी आर टॉक अबाउट द एनिमल्स, तो वी आर लाइक हमारे दिमाग में क्लिक होता है एनिमल्स में लायन जैबिट. सी आर सेल्फ, वी आर द मोस्ट सोशल एडवांस्ड एनिमल्स ओवर देयर इन द अर्थ. तो start with the chapters animal kingdom and we are called as ant kingdom animalia. It is the largest kingdom and if we are talk about the some basic properties of the animals, like what comes in your minds? First of all, we all are multicellulars. We are all are made up of multiple of cells. Humme se koi aisa nahi hoga ki jo ek single cell se bana hoga. We are all made up of multicellular multiple of cells and then hamare mein complexity aata gaya and then we got this and tab main tumhare samne earth pe is तरीके से खड़ी होती हूँ. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एनिमल्स की, इट इज हेट्रोट्रॉफ्स. व्हाट डज दैट मीन? हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर आवर फूड. हम जादू जैसे या प्लांट्स जैसे अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वी कांट डू फोटोसिंथेसिस. वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दिस सम अदर्स, लाइक वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आर मिल्क रिक्वायरमेंट और आर एग रिक्वायरमेंट फॉर द एनिमल्स. वी ऑल आर रिक्वायरमेंटेड फॉर द पल्सेस फॉर द प्लांट्स एंड ऑल. And third is holozoic. We all have the properties of holozoic. What does that mean? Holozoic means we ingest our food in the complete mode. When we say about the holozoic, it is the mode of the nutrition. That means अगर हम कोई भी food अपना ingest करते हैं, तो हम उसे proper assimilate करते हैं, utilize करते हैं, then we ingest it out. तो इस ऐसे mode of nutrition को बोलते हैं holozoic. Holo means बेटा complete mode of nutrition, complete mode में अपने food को acquire करना, उसे enhance करना. Kingdom Animalia divided into the two categories. First is sub kingdom Parazoa and the another is sub kingdom Eumetazoa. See beta, in biology terms are very important. If you learn about the terms meaning, then it is very easy for you. आपको रट्टा लगाने की भी नीड नहीं है. If you don't need to know meaning of the like word meanings, तो आपको लगेगा यार कितना burden हो गया है, क्या करे क्या नहीं. तो if you clear your terms in your mind, then it will be very easy for you. First of all, we are talking about the sub kingdom Parazoa. Parazoa, what does it mean? As I talk about the word meaning, so let's start with the word meaning. Parazoa, P stands for primitive. Primitive means जो सबसे पहले आए. Primitive zoons, they have multiple of cells. प्रिमिटिव अर्थ पे सबसे पहले आया, मतलब लाइक बेटा देखो जब इवोल्यूशन हो रहा था, व्हेन इवोल्यूशन स्टार्ट्स, तो पहले क्या था अर्थ पे? सिर्फ केमिकल्स थे. केमिकल्स गॉट एसिमिलेटेड इनटू द सेल्स, देन सेल्स गेट एसिमिलेटेड इनटू द टिश्यू, टिश्यू गेट एसिमिलेटेड इनटू द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स गेट एसिमिलेटेड इनटू द ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गन सिस्टम इज एसिमिलेटेड इनटू द ऑर्गेनिजम्स. हम लोग धरती पे बेटा ऐसे ही नहीं आ गए हैं, हम बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करके आए हैं. तब मैं तुम्हारे सामने इस अर्थ पे इस तरह से खड़ी हुई हूँ. पहले केमिकल्स हुए होंगे, जाहिर सी बात है, उनमें रिएक्शंस हुआ, रिएक्शंस होके देन फर्दर दे मॉडिफाइड इनटू द टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म. देन मैं इस अर्थ पे इस तरह से इस कॉम्प्लेक्सिटी के सामने आपके सामने खड़ी हुई हूँ. तो सब किंगडम पैराजोआ एज इट नेम मेंशन पी स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव, वो अर्थ पे सबसे पहले आए. तो दे हैव ओनली सेल्स इन देयर बॉडी एंड हमारे पास ऐसा बिचारा ऐसा पुअर फाइलम वी हैव पॉलीफेरा. इफ यू वांट टू लर्न पी फॉर पॉलीफेरा एंड पी फॉर प्रिमिटिव मेटाजोअल्स, तो दे हैव ओनली सेल्स एंड एग्जांपल इज योर पॉलीफेरा. इन दिस चैप्टर एग्जांपल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इफ यू नॉट एबल टू लर्न द एग्जांपल, दिस चैप्टर विल टोटली वेस्ट, बिकॉज इस चैप्टर में से एग्जाम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं. तो यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल एट एनी कॉस्ट. Second, we are talking about the sub kingdom Eumetazoa. You, what does that means of you? You means true. Those which have true multicellularity, and these phylums are Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda.
ऑर्गेनिजम्स हमें क्लासिफाई करने का नीड ही क्यों पड़ा, हम ऐसे भी तो एनिमल्स को कर सकते थे। अगर सपोज करो अगर मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑफ पेन्स हैं तो हाउ कैन आई डिफरेंशिएटेड इन देम। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक रेड कलर का या ब्लू कलर का पेन पिक करके लाना है तो यू वेस्टेड योर टाइम। इफ आई अरेंज इन देम मैनर कि लाइक ये रेड कलर का पेन इधर लग गया, ब्लू कलर का एंड पिंक एंड देन ग्रीन एसेट्रा एसेट्रा, इफ आई आस्क यू टू पिक रेड कलर पेन तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, यू विल गो एंड गेट टू द पेन टू मी। तो इसलिए हमें ये क्लासिफिकेशन करने की नीड पड़ी। If in future we will discover some other animals, so in what phylum and in what category we are putting our animals, so on that way we have the basis of classification of the animals. So we have different type of categories on the basis of classification. First level of organization, second one is germ layer, third one is your body plan, fourth is your coelom, symmetry, segmentation and notochord. By one and one we will discuss about each and everything in the details, so no need to be worried, ऐसे घबराना नहीं है because हम एक एक करके पढ़ेंगे and it will be very easy for you. मैं आपको साथ के साथ tricks बताती रहूंगी how to learn the examples. देखो बेटा यहाँ पे मैंने बोला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने इसलिए करा। सपोज करो अगर मुझे क्लास में बोला जाए कि मैम आप स्टूडेंट्स को सेपरेट कर दो, तो हाउ आई एम गोना सेपरेट द स्टूडेंट्स, मैं उनको उनके मार्क्स के बेसिस पे सेपरेट करूंगी कि 650 वाले इधर आ जाओ, 450 वाले इधर आ जाओ, 500 प्लस आ जाओ। तो मेरा मोड ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, माई मोड ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज देयर मार्क्स, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने भी ये क्लासिफिकेशन लेवल जॉम फिलोम सिमेट्री सेगमेंटेशन नोटोकॉर्ड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ओके लेट्स स्टार्ट विद द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज आई प्रीवियसली टोल्ड अबाउट यू how our body forms, first we have chemicals on this earth, chemicals got reacted and they get modified into the cells and cells get modified into the tissue, tissue got modified into the organs, organs get modified into the organ system and organ system se hamara organism bana. Let's understand by an example of a primary kid baby. Hum baby ko school mein admission karate jo primary kid ka bachcha hota hai, so how wo pehle kya sikhta hai, word sikhta hai like your alphabetical लेटर ए बी सी डी एंड देन फिर उसे अरेंज करना सीखता है, उसके वर्ड्स बनाता है सी ए टी कैट एसेट्रा एसेट्रा एंड देन वो उसे मॉडिफाई करके सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस से देन वो पूरा चैप्टर, चैप्टर टू पैराग्राफ। तो ऐसे हमारी बॉडी मॉडिफाइड हुई फॉर द बेसिक टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड वी आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल इन दिस अर्थ। ठीक है, फर्स्ट वी हैव अ सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर एज इट नेम मेंशन सेलुलर दे हैव ओनली सेल्स एंड विच फाइलम हैव ओनली सेल्स योर पॉलीफेरा। एंड सेकेंड वी हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Tissue grade of organization, we have two examples. First one is our cylindrata and another one we have tenophora. Just remember in your mind, whenever you see the cylindrata, तो वहाँ tenophora होगा ही होगा. They are just like a best friends. Schools में classes में best friends होते हैं ना, हमेशा bond करके रहते हैं. So like this, ये भी ऐसे है. They always got a bond. वो एक दूसरे की back है. जहाँ cylindrata दिखे वहाँ tenophora होना ही होना है. And the third is your organ grade of organization, that is your platyhelminthes. It is very important. They will ask you a question for the very first time, which phylum has seen the organ grade of organization, that is your platyhelminthes. And organ system, we have organ system mein examples hai, excrementis up to chordata. And that is your example, as I maine jo bhi tumhe samjhane ke liye explain kiya tha. Second, we have germ layer. Germ layer, what does that mean? Let's understand by this image. We have a sperm and ovum. Sperm we got from our father and ovum we got our mother. They got fused into the zygote. Zygote too, we have a different type of a cleavage division. And the different type of cleavage division happens in the fallopian tube. Zygote too, we got 8-cell stage. 8-cell stage too, we got 8 to 16-cell stage, which is your morula. Morula is like a mulberry-shaped structure. And then we got blastula. Blastula is a 32-cell stage. And here is the cross-section of the blastula.
एंड दिस ऑल्सो सी द ब्लास्टोसील कैविटी एंड ब्लास्टुला टू आर गैस्ट्रुलेशन. दिस इज द डेड स्टेज वेयर वी हैव टू फाइंड द जर्म लेयर. इस स्टेज पे हमें गैस्ट्रुलेशन पे हमें जर्म लेयर देखने के लिए मिलता है. इस इमेज को लगाने का पर्पज सिर्फ इतना ही है दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि जर्म लेयर बनती कहाँ पर है और होती कहाँ पर है. तो जर्म लेयर इज फॉर्म इन योर गैस्ट्रुलेशन स्टेज बेटा. On the basis of the germ layer, we have divided animals into the two categories. First one is your diploblastic and another one is your triploblastic. Diplo, as its name mentioned, diplo. Diplo means duplicate. They have only two germ layers. First one is ectoderm and another one is your endoderm. They have also a third layer, but it is non-cellular. Ecto and endoderm, as you see in the image, that purple one is ectoderm and then gray one is your endoderm and this one is your mesoglia, which is your non-cellular. Mesoglia is non-cellular. It is your non-cellular. It is a, dekho, as you see in the image, it is a fluid-like structure. Or we can say that it is a gelatin or gel-like structure. So example is our cylindrata and ctenophora. देखो है ना बेस्ट फ्रेंड, व्हेन यू सी द सिलिंड्रेटा टीनोफोरा भी आ गया. ट्रिप्लोप्लास्टिक, दे हैव थ्री जर्म लेयर्स. आउटर वन इज योर एक्टोडर्म, ग्रे वन इज योर एंडोडर्म एंड पिंक वन इज योर मेसोडर्म. And these all three layers are cellular, beta. If someone asks you what is the difference between diploblastic and triploblastic, you just say simply, diploblastic have two germ layers, which is your ecto and endo, and they are cellular. But they have also another layer, which is your mesoglia. But it is your non-cellular structure. It is a gelatin or gel-like structure. In triploblastic, you have three germ layers, ecto, endo, and mesoderm. These all three layers are cellular. Beta, aapne suna hoga na, sab bolte your heart is mesodermal in origin, your brain is ectodermal in origin. What does that mean? That means, beta, your heart has been originated from the mesodermal cell. So, ye signifies hai in germ layer ka. हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही नहीं रट्टा मारते जाना है. यू नो कि क्यों है, रीजन क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका सिग्निफाइज क्या है. तो जर्म लेयर का सिग्निफाइज ये है, इफ समवन आस्क यू आवर हार्ट इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, दैट मींस आवर हार्ट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल. गॉट इट? एग्जांपल इज योर प्लैटी हेलमेंटिस अप टू कॉर्डेटा. Next we have a body plan. In body plan we have divided into the three categories. First one is your cellular aggregation, another is your blind plate, and another is your tube within tube. We are talking about the first one is your cellular aggregation. As in name mentioned, cellular means they have only cells in their body. Just simply diffusion happens in their cells. Because beta, they don't have any modified structure in their body. So, सारा काम किसको ही करना है, cells को ही तो करना है. So, वो labor work करेगा. If, अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि कौन ज्यादा modify होगा, जिसके पास, जिसको सिर्फ एक काम करना पड़ रहा है या जिसके पास हर तरह से systematic way है. ऑब्वियसली बात है, जो सिस्टमैटिक वे में काम करेगा, जिसके पास हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर बंदा होगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा. तो सेलुलर एग्रीगेशन में पॉलीफेरा को ही सब काम करना है, उसको डाइजेशन भी करना है, दे हैव टू डू एक्सक्रीशन, दे हैव टू डू रेस्पिरेशन. सो दे हैव अ बेटा पूरा लेबर ऑफ वर्क. सो दे ओनली डिफ्यूजन सेल्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी एंड एन एग्जाम्पल इज पॉलीफेरा बिकॉज इट इज द डेड फाइलम विच हैव ओनली सेल्स इन देयर बॉडी. दे हैव नो अदर कॉम्प्लेक्सिटी found in their body because they are the primitive type. And another we have blind sac. Blind sac means they have only one opening. ऐसा नहीं है ब्लाइंड बोल रहे हैं तो दे कांट सी लाइक दैट. नो, ब्लाइंड सेक मीन्स व्हेनेवर वी सी ब्लाइंड और ब्लाइंड सेक और ब्लाइंड ट्यूब इन द बायोलॉजी, दैट सिग्निफाइज बेटा दे हैव वन ओपन एंड एंड अनदर ओ एंड इज क्लोज्ड. सो ब्लाइंड सेक सिंगल ओपनिंग हैपन इन देयर बॉडी एज इट मेंशन इन द डायग्राम. देखो अनदर एंडिंग इज क्लोज्ड एंड एक ही एंडिंग ओपन है. इधर से ही सारा जो भी इंजेस्ट करेंगे इट विल कम आउट दैट वे एंड फ्रॉम दैट ओपन
opening. It will adjust out everything. Okay, they have only one opening, which and another opening is closed. So single opening that serves as the mouth and serves as the anus. Example is your Philentrata, Tenopoda, and Platyhelminthes. Tube within tube means they have two separate openings, one for mouth and another for anus. See, वो पेंस होता है ना, जो पेन बॉडी होता है उसमें से रिफिल हमें अलग ही विजिबल होता है. अभी तो नहीं है मेरे पास ऐसा, तो जस्ट इमेजिन दैट कि ये वो वाला पेन है. एक बॉडी के अंदर एक बॉडी का प्रेजेंट होना. लेट अस अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन बॉडी. We all have a elementary canal that starts from the mouth and ends from the anus. So body के अंदर एक body present है. ऐसे उसको क्या बोलते हैं? Tube within tube. देखो, एक body है बाहर and inside that elementary canal is present. One single opening for mouth and another single opening for anus. We have two proper openings. As we talk about the human, we have two proper openings. One for ingestion of food and another we have opening for ejection of food. Okay? So two separate openings. One acts as a mouth and another acts as a anus. And an example from skeletal meshes up to caudate.